नमस्कार प्रभा साक्षी में आपका स्वागत है और आज हम कुछ खास लोगों से बात करने वाले हैं। इसलिए बात ये खास है क्योंकि इन लोगों ने हमें गर्व करने का मौका दिया है और ये गर्व हम लोगों को कैसे करने का मौका दिला, चूँकि ये हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की और चूँकि क्रिकेट जिस तरह से देश में लोकप्रिय है, लेकिन एक क्रिकेट का अध्याय वो भी है जहाँ पर हम लोगों को ये नई गर्व करने की बात मिली है। ये है ब्लाइंड वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान को हराया था और उस फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच रहे थे सुनील, आज वो हमारे साथ हैं। तो सुनील, सबसे पहले तो प्रभा साक्षी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको 92 रन आपने बनाया था फाइनल में, किस तरह का आपको लगा, क्या कैसी वो पार्टनरशिप रही थी आपने अपने ओपनर बैट्समैन के साथ किया था? बहुत खुश हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट वनडे वर्ल्ड कप में, फर्स्ट वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ऊपर 93 मार दिया और बांग्लादेश के ऊपर सेंचुरी मार दिया। मैं लीग में खेल दिया, मैं लीग में मेरा को बैटिंग नहीं मिला, चांस वेट कर रहे हैं, फाइनल में मिला, मैं देखा दिया। जो हमारे साथ हैं वर्ल्ड कप, ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो होता है उसके फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराने वाले टीम की अगुवाई करने वाले अजय रेड्डी, जो कि वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप की टीम थी उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो अजय, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको, आप विश्व विजेता बने हैं? बहुत खुशी का बात है, वो भी द टू अगेंस्ट पाकिस्तान, वो गर्व का बात होता है हम लोगों को, क्योंकि वो दिन के लिए हम लोग बहुत मेहनत किया है। 28 डेज प्रैक्टिस किया था बेंगलुरु में, 3 ग्राउंड्स चेंज किया था क्योंकि पता नहीं है वो यूएई में कैसे विकेट्स मिलने वाला है, कौन सा सिचुएशंस रहता है, इसलिए हम लोग गर्मी का वेदर में किया है, ठंडी का वेदर में किया है, हर रूप्स में हर मार्ग में हम लोग तैयारी किया था। इसका वजह से जो फाइनल बिफोर लीविंग इंडिया हम लोग एक टीम बन के काफ़ी मतलब हमारा जो माइनस पॉइंट्स है उसको पूरा रेटवे करके उसके लिए खेलने के लिए गया था। फाइनल्स में जो हुआ था बहुत टफ मैच है, फिर भी इतना प्रेशर में हमारा प्लेयर्स को हर दिन बोलते हैं हम लोग एज ए सीनियर्स, मी एंड डेविड सर एंड रिमेनिंग फ्यू सीनियर प्लेयर्स, प्रेशर में आए तो कभी भी डेरा नहीं होना चाहिए, प्रेशर से नहीं खेलना है, प्रेशर अपोजिट टीम को ऊपर डालना है बोल के हम लोग हर दिन बोलते हैं। ऐसा ही फाइनल्स में सिचुएशन, प्रेशर हमारा ऊपर था क्योंकि 2014 में हम लोग डिपेंडिंग चैंपियंस था, वो डिपेंडिंग चैंपियंस पोजिशन में हम लोग मैच टूर्नामेंट के लिए गया, इसलिए वो प्रेशर को हम लोग टैकल किया, अच्छे से प्रेशर पाकिस्तान को ऊपर डाल दिया, इसलिए हम लोग ट्रॉफी जीता है। कहते हैं कि बिना प्रोत्साहन के आगे बढ़ना या उसमें तरक्की करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप था भारत ने जीता है और उसके लिए तो दुआएं करना, उसके लिए एक तरह से प्रोत्साहन का काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतना कोई छोटा मोटा और आसान काम नहीं होता है। और ऐसे 2-3 लोगों से मैं मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं जो इस टीम को शुरू से ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे और जानते हैं कि किस तरह से उनका अनुभव रहा और किस तरह से उन्होंने इस टीम को सपोर्ट करने के लिए कार्य किए हैं। जी बताइए। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, तो हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमने ना सिर्फ वॉलंटियर्स भेजे बल्कि जो मैचेस दिल्ली में हुए जो हमारी रीच में थे, हमने टीम इंडिया को ना सिर्फ चेयरअप किया बल्कि जो साइटेड लोग हैं या नॉन डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके बीच ये बताया कि वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड वेदर इट कम्स टू ब्लाइंड और साइटेड, और हमने इस बात को प्रूव भी किया एंड आर टीम हैव स्पॉन्टेनियसली शोड इट कि हम लोग कितना एबल हैं। जब ये लास्ट टाइम जब इंडिया दिल्ली में क्रिकेट हुआ था तो हम लोग वहाँ देखने गए थे, और आज जब इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो यहाँ आई है तो हम उनके सपोर्ट के लिए और उनके लिए यहाँ भी आए। वाकई तो समर्थन करना एक जाहिर सी बात से प्रोत्साहन के बराबर होता है और बिना प्रोत्साहन के शायद तरक्की करना उतना ही मुश्किल होता है, तो आप भी इस टीम के जुड़े रहे हैं और समर्थन करते आ रहे हैं? बिल्कुल, दिल तो कर रहा था कि हम लोग भी पाकिस्तान जाए, वहाँ पे स्टेडियम में जाए, लेकिन मौका नहीं मिला या साथ नहीं मिला या हम लोग जा नहीं पाए, हर किसी का कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी यहाँ पे हमें मौका मिला है हम लोग यहाँ पे आए और उनको और इंक्रेस किया कि आगे जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि यह छोटी मोटी बात नहीं है। आज अगर इंडियन टीम, नॉर्मल इंडियन टीम एक वर्ल्ड कप जीतते हैं पूरे देश पूरे दुनिया एक साथ हो जाता है, लेकिन शायद यहाँ पे बहुत ही कम लोग आए हुए, तो मैं यही चाहूँगा कि नॉर्मल जो क्रिकेट टीम है उनके जैसे ही इनको भी उतना रेस्पेक्ट दिया जाए और उनके भी मतलब हर किसी के घर में इनके भी फोटो जाए कि ये हमारी दुनिया की, ये हमारे देश की एक टीम है मेरे, और मैं हर किसी को यही कहूँगा प्लीज़ आइए ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी आओगे तो आपको भी अच्छा ही लगेगा,
क्योंकि ये लोग उनसे ज़्यादा मेहनत करके और आगे बढ़े। आपका हार्दिक बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी प्रकार से शक्ति संपन्न बनाए रखें ताकि खेल कूद की गतिविधियों में आप अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रखें और अपने खेल के रिकॉर्ड को स्वयं ही और आगे बढ़ाएं, अर्थात वर्तमान रिकॉर्ड को तोड़ करके और नया रिकॉर्ड विश्व स्तर पर बनाने में सफलता प्राप्त करें। उस विश्व विजेता टीम के सम्मान में जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसके आयोजनकर्ता हमारे साथ है। तो सबसे पहले सर, किस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आई जब इसके लिए आप पूरा प्लान कर रहे थे? तो हमें सबसे पहले हमने सोचा कि ये जो टीम है इसने भारत को गौरवान्वित किया है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना चाहिए, साथ में हमें कुछ आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से कि हम प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए की धनराशि देंगे और वो धनराशि जिस दिन फंक्शन होगा उसके सुबह के ही उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जिससे वो इस फंक्शन में आए तब तक पैसा उनको मिल चुका होगा। वो सारे इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में आएंगे और हम उनका फेलिसिटेट करेंगे। और यहाँ पर हमने फेलिसिटेट किया, वो बहुत खुश हुए, पूरे नंबर्स में आए वो, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारा ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम जीतने वालों को हमने फेलिसिटेट किया और बताया कि आप हमारे लिए देश के गौरव हैं और आप इसी तरह से बढ़ चढ़ कर खेल में पार्टिसिपेट करते रहिए और देश को ऊँचा करते रहिए।